सुनिएगा, हम लोग एक कंडीशन देखेंगे अभी इसमें, जैसे हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर की आवश्यकता हमें कब पड़ती है और क्यों पड़ती है, इसके बारे में बस एक बार पहले समझना है कि आखिर हमें इसका उपयोग क्यों करना पड़ा क्रॉसिंग ओवर का। तो क्रॉसिंग ओवर तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ऐसे हम चाहें तो आपको खाली डिफिनेशन भी लिखवा सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये सिस्टर क्रोमैटिड कौन होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कौन होता है, और किसके किसके बीच ये, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच अनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो सिंपल एक लाइन में ही हमारा कहानी खत्म। लेकिन पहले हम लोग को ये जानना है कि क्रॉसिंग ओवर रियल में होता कैसे है। अच्छा, क्रॉसिंग, उसके बाद फिर आपको ये समझना है कि क्रॉसिंग ओवर की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें। दूसरी बात कि अगर हम दो जीनों के बीच की दूरी को बढ़ा दें तब क्रॉसिंग ओवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर दो जीनों के बीच की दूरी को घटा दें तब क्रॉसिंग ओवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको, ये सब बातें जानने के लिए पहले जरूरी है कि इसके बीच का कॉन्सेप्ट को जानना, कि आखिर इसके बीच में कौन सा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले आइए इसको हम लोग समझते हैं। क्रॉसिंग ओवर को जानने से पहले, अभी क्रॉसिंग ओवर को हम लोग अलग हटाते हैं, पहले हम लोग दो कंडीशन यहाँ बनाते हैं। एक कंडीशन में लिंकेज को उपस्थित रखते हैं, दूसरे कंडीशन में लिंकेज को अनुपस्थित रखते हैं। ये पिछले क्लास में भी आप लोग को पढ़ाया गया है। जैसे मान लीजिए कि एक क्रॉस हम कराए हुए थे, जैसे क्रॉस था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल, ये एफ वन जनरेशन में प्राप्त एक रिजल्टेंट है जिसका क्रॉस हम लोग करा देते हैं रिसेसिव के साथ, रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। यानी यहाँ आपको देखने से क्या लग रहा होगा, दो कैरेक्टर है, यहाँ दो लक्षण को लिया गया है, पिछले क्लास में भी हम यही लिए थे। दो कैरेक्टर कौन कौन है, एक है टॉल और दूसरा क्या है राउंड, बस समझ में, टॉल और राउंड, इन्हीं का क्रॉस हम इनके किसके बीच करा रहे हैं, ड्वार्फ और रिंकल्ड के बीच। तो ये एफ वन जनरेशन में प्राप्त होता है। एफ वन जनरेशन में कैसे प्राप्त होता है वो आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में। अगर मान लीजिए कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ करिएगा तो एफ वन में क्या आएगा, सर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आएगा, ये तो पता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक और कैरेक्टर है कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर के साथ कराइएगा तो एफ वन जनरेशन में क्या आएगा, सर एक कैपिटल आर और एक दूसरा स्मॉल आर आएगा, यही ना आएगा जी, ये तो बात क्लियर है। तो बस हम क्या किए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों को डाई हाइब्रिड बना दिए हैं, एक साथ उतर दिए हैं। ठीक है, इनका क्रॉस हम एफ वन जनरेशन के साथ रिसेसिव के साथ कराए हैं। तो रिसेसिव के साथ जब कराएंगे तो इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ये आपको पता ही है। तो हम लोग एक तरह का टेस्ट क्रॉस को यहाँ अंजाम देंगे। ठीक है, अब देखिए ये है एक तरह का टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस में आपको इस कंडीशन में आपको क्या करना है, दोनों तरफ में बिल्कुल सेम कंडीशन लेना है और तब क्रॉस कराना है। ये पिछले क्लास में सारी बातें हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये एफ वन कैरेक्टर को एक बार अरेंज करते हैं, जैसे जहाँ लिंकेज मौजूद है, मान लीजिए यहाँ लिंकेज हो रहा है, लिंकेज जब होगा तो ये कैपिटल टी ये हो जाएगा स्मॉल टी, ये दोनों एक साथ है तो दोनों को एक साथ ही हम लोग अरेंज करेंगे पैरेलल में, ये आपको पता है। फिर कैपिटल आर और स्मॉल आर ऐसे अरेंज कर दिए, ये तो सबको अरेंज करने आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी सेम अगर मान लीजिए कि सेम कैरेक्टर होता है ना, लक्षण होता है, तो उसको हम लोग समानांतर में अरेंज करते हैं एक दूसरे के, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। अच्छा, इधर वाले को एक बार अरेंज करिए जहां लिंकेज नहीं हो रहा है, यहाँ तो लिंकेज सीधे दिख गया, यहाँ तो सीधे दिख गया आपको कि लिंकेज हो रहा है, लिंकेज क्यों हो रहा है, चलिए। अच्छा, हम लोग अभी लिंकेज यहाँ हो रहा है, पता चल रहा है ये लिंकेज हो रहा है, क्यों लिंकेज हो रहा है, क्योंकि सर इसलिए यहाँ लिंकेज हो रहा है क्योंकि एक जीन पर जब एक से अधिक एक क्रोमोजोम पर जब एक से अधिक जीन मौजूद हो, जैसे ये है जीन तो एक क्रोमोजोम पर दो जीन मौजूद है
तो इस तरह से ये हो गया लिंकेज, तो यहाँ लिंकेज हो रहा है। अच्छा, दूसरे कंडीशन में हम लोग को कैसे व्यवस्थित करना है, यहाँ लिंकेज नहीं होगा, तो यहाँ लिंकेज नहीं होगा तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। जहाँ लिंकेज नहीं होगा वहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, तो उस कंडीशन को हम लोग कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, कैपिटल टी कैप स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह से अरेंज कर दिए। अब क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ लिंकेज ऑब्सेंट है, यहाँ क्या है जी, लिंकेज ऑब्सेंट है, तो लिंकेज ऑब्सेंट है। अच्छा, लिंकेज अगर ऑब्सेंट होगा, लिंकेज नहीं होगा, तो यानी वहां क्या हो रहा है, क्रॉस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है जी, यानी कि सर ये हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन। अब सुनिएगा, यहाँ लिंकेज हो रहा है, लिंकेज मतलब सहलग्नता, सहलग्नता यहाँ हो रहा है और वहाँ सहलग्नता अनुपस्थित है। अब यहाँ गैमिट बना के देखिए, हम आपको कंडीशन बस देखिए, हम लोग को टॉपिक पढ़ना है क्रॉसिंग ओवर, लेकिन क्रॉसिंग ओवर की जरूरत हम लोग को कब पड़ेगी, बस उस कंडीशन को आपको दिखाया जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए कैपिटल टी, गैमिट बनाइए इसका, सर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल कैपिटल टी स्मॉल टी बना दीजिएगा, तब गैमिट थोड़े होगा जी, कैपिटल टी कैपिटल आर, अच्छा स्मॉल टी स्मॉल आर। अच्छा, बीच में गैपिंग क्यों दिए हैं, क्योंकि हमारा क्रॉस इसके साथ कराना है, तो हम इसमें से आपको दो गैमिट, ये दोनों समान है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ दो कंडीशन जैसे देखे थे, एक में लिंकेज हो रहा था, दूसरे में लिंकेज नहीं हो रहा था, गैमिट बनाने की बात कर रहे थे, तो गैमिट इसका कैसे बनाएंगे, आपको तो पता है पिछले क्लास में बताया गया है, कैपिटल टी कैपिटल आर ये वो गैमिट बन गया, स्मॉल टी स्मॉल आर इस तरह बन गया। बीच में गैपिंग इसलिए रखे हैं क्योंकि हम लोग क्रॉस इनके बीच भी कराना है, तो दो गो समान अगर गैमिट है स्मॉल टी तो उससे एक गैमिट निकलेगा स्मॉल टी, मतलब दो समान अगर रहेगा होमोजाइगस होगा तो एक ही निकलता है उसमें से गैमिट, ये बात पता है। फिर ये स्मॉल आर है तो इससे एक ही निकलेगा स्मॉल आर, यानी कि अब स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ हमें इसके बीच क्रॉस करानी है। हम क्या करेंगे कि स्मॉल टी को यहाँ रख देंगे और स्मॉल आर को इसके आगे रख देंगे, फिर यहाँ स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर इसके साथ भी ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल आर। अच्छा, अब यहाँ आप लोग को देखना है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या क्या आया है और क्या है। ये देखिए, पेरेंटल कॉम्बिनेशन में आप क्या लिए थे, कैप टॉल राउंड रिंक ड्वार्फ रिंकल्ड, ये तो बात क्लियर है, टॉल राउंड ड्वार्फ रिंकल्ड। तो यहाँ नाम पहले देखिए, टॉल राउंड इसका नाम क्या है जी, टॉल राउंड, टॉल राउंड। अच्छा, इसका ड्वार्फ ड्वार्फ रिंकल्ड। अच्छा, ये बताइए क्या यहाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा कोई नया करेक्टर बना, नहीं बना, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा कोई नया करेक्टर नहीं ना बना है जी। सर इसका मतलब यहाँ आप क्या बोलिएगा कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, रिकॉम्बिनेशन 0% हो रहा है, लेकिन पेरेंटल कॉम्बिनेशन 100% है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अच्छा, पेरेंटल लक्षण कितना आ रहा है सर, 100%। तो रिकॉम्बिनेशन आपको बताए हुए थे, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, तो जब जनक के लक्षण के अलावा कोई नया लक्षण बनता है तब उसको रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है, पुनर्योजन कहा जाता है। यहाँ तो जनक के अलावा कोई नया लक्षण बना ही नहीं है, जनक में भी आपने लिया था टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड, तो टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड ही मिला आपको। इसका मतलब कि यहाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन 100% है और रिकॉम्बिनेशन 0% है। जैसे आपने देखा रिकॉम्बिनेशन 0% आपको मिला, तो नहीं, आप चाह रहे हैं जबरदस्ती यहाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन बनाना,
आप अगर चाहते हैं यहाँ रिकॉम्बिनेशन जबरदस्ती बनाना, तब उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, क्रॉसिंग ओवर की। बस समझ में आए आप, क्रॉसिंग ओवर का उपयोग कहाँ होता है, तो जहां लिंकेज उपस्थित हो, जहां लिंकेज उपस्थित हो वहां रिकॉम्बिनेशन 0% होगा, उस दौरान हमें किसकी जरूरत पड़ती है, क्रॉसिंग ओवर की जरूरत पड़ती है, उस समय हम क्रॉसिंग ओवर का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ क्रॉसिंग ओवर की आवश्यकता नहीं है हमें, देखिए यहाँ पे नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ रिकॉम्बिनेशन खुद बन जाएगा। कैसे, तो गैमिट इसका बनाइए कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये बात पता है ना जी, कैपिटल टी कैपिटल आर। अच्छा फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब बात समझ में आया, आप यहाँ कैसे गैमिट बनाया है, तो सर इसका क्रॉस पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, ऐसे क्रॉस करा सकते हैं, पहले वाले के साथ, फिर पहले वाले का दूसरे वाले के साथ, फिर पहले दूसरे वाले का पहले के साथ, फिर दूसरे वाले का दूसरे के साथ, ऐसे क्रॉस हो सकता है ना, बस वही तो यहाँ हुआ है। तो ये स्मॉल टी और स्मॉल आर इस तरह लिख दिए। अब आपको बीच में तो ये पता है कि इससे इसके बीच ना क्रॉस कराना है, तो यानी इससे स्मॉल टी और एक स्मॉल आर आएगा, तो इसी के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, बस हो गया। अच्छा अब यहाँ देखिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन में क्या था, टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड, यही ना था जी, टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड। यहाँ देखिए टॉल राउंड ड्वार्फ रिंकल्ड के अलावा कोई लक्षण है, सर ये है टॉल राउंड, ये क्या है टॉल राउंड, ये क्या है टॉल टॉल रिंकल्ड, ये नया कॉम्बिनेशन है। अच्छा ये देखिए ये क्या है जी, ड्वार्फ ड्वार्फ राउंड, अच्छा ये क्या है जी, ड्वार्फ ड्वार्फ रिंकल्ड, ड्वार्फ रिंकल्ड। अच्छा सर यहां नया करेक्टर हम लोग को दिखाई दिया, ये है पेरेंटल, क्लियर है ना पेरेंटल। अच्छा ये लास्ट वाला भी पेरेंटल, ये दोनों पेरेंटल बना है, ड्वार्फ रिंकल्ड और टॉल राउंड, यही ना था टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल्ड। लेकिन सर ये दोनों रिकॉम्बिनेशन, ये क्या है जी, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर, यानी रिकॉम्बिनेशन है, पुनर्योजन लक्षण। तो इसका मतलब यहां आप क्या लिखिएगा, रिकॉम्बिनेशन 50% और पेरेंटल पेरेंटल भी 50%, आए समझ में, यानी कि यहां पुनर्योजन 50% और जनक का लक्षण 50%, यानी कि यहाँ जनक 50% है और पुनर्योजन 50%। तो पुनर्योजन तो समझ में आ गया सर, पुनर्योजन वैसा लक्षण होता है जब जब माता पिता के अलावा कोई नया लक्षण प्राप्त हो तो उसको पुनर्योजन कहते हैं। तो 50-50% दोनों है, तो यहाँ हम लोग को क्रॉसिंग ओवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग को क्रॉसिंग ओवर की आवश्यकता पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हम तब यूज करेंगे जब रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर नहीं बन रहा हो। तो अब हम लोग यहाँ से अब क्रॉसिंग ओवर का उपयोग करना शुरू करेंगे। क्रॉसिंग ओवर को कैसे कराया जाए, तो यहाँ से शुरू किया जाएगा। पहले काम करेंगे आप लोग इसको उतार दीजिए, बस ये कंडीशन आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी हम लोग आगे के काम को शुरू करेंगे। जल्दी से उतारिए, तो फटाफट इसको इतना उतारना है इसमें क्रॉसिंग ओवर में, क्रॉसिंग ओवर टॉपिक दिया है वहाँ उतारिए इसको फटाफट। अब इसी कंडीशन, अब हम लोग को यह देखना था क्रॉसिंग ओवर का उपयोग हम लोग को कब पड़ेगा, जब रिकॉम्बिनेशन 0% हो, और हम चाहते हैं कि इसी में जो लिंकेज देखिएगा, जो लिंकेज दर्शा रहा, जो लिंकेज जहां दर्शाया जा रहा था, लिंकेज यहां उपस्थित था लेकिन यहां रिकॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि रिकॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, रिकॉम्बिनेशन कैसे बनेगा क्रॉसिंग ओवर का उपयोग करके, ठीक है। अब इसको हटा दिया जाए,
अब देखिए, अब हमारा कंडीशन यही है। अब आप लोग लिखेंगे नहीं, पहले इसको समझिएगा। हम लोग के पास में ये दो क्रोमोजोम हुआ, सेंट्रोमियर हो गया, ये मान लीजिए इस पर गैमिट जीन रख देते हैं कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, यही ना था कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या है सर, ये है सेंट्रोमियर, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये है जीवन फेज, सेल साइकिल एंड डिवीजन में आप लोग को पढ़ना होता है, जैसे पढ़ते होंगे आप लोग एम फेज एस फेज, ठीक है, एक मिनट रुकिए, उसमें जीवन फेज, जीवन फेज एस फेज जी टू फेज और एम फेज, ये पढ़ते होंगे आप लोग, जीवन फेज फिर एस फेज जी टू फेज तब एम फेज, ये सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में पढ़ना होता है, ये जीवन फेज है। अच्छा, जीवन फेज में कुछ इस प्रकार से जीनों का अरेंजमेंट रहता है क्रोमोजोम पर। अच्छा, एस फेज में आने के बाद कुछ बातें इसमें आपको याद रखना है, एस फेज में आने के बाद ये जो आप क्रोमोजोम देख रहे हैं ये जस्ट डबल हो जाता है, क्रोमोजोम यहाँ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बस इतना बात आपको याद रखना है कि एस फेज में क्रोमोजोम डबल होता है, और फिर इसके बाद कौन सा फेज आ जाता है, जी टू फेज आ जाता है, तो यहां से अब जी टू फेज में आ जाएगा, अब क्रोमोजोम ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, जो क्रोमोजोम यहां बना हुआ था, अब ये क्रोमोजोम देखिए, ये क्रोमोजोम अब यहां क्या हो गया, इसका ये डबल हो गया, इसका ये कॉपी बन गया, फिर इसका भी डबल हो जाएगा, अब यहां जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्रोमोजोम आपस में ये भी डबल हो जाएगा, समझे बात को, ये जी टू फेज, इसको कौन सा फेज बोलते हैं, जी टू फेज। जीवन फेज में क्रोमोजोम का व्यवस्था कुछ इस प्रकार से होता है, क्रोमोजोम पर जीन का व्यवस्था, एस फेज में आने के बाद क्रोमोजोम जो होता है ये डबल हो जाता है, अब ये जी टू फेज आता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये सेंट्रोमियर ऊपर था, सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर, अच्छा अब इसके ऊपर क्या है सर, यहाँ जो आप गैमिट रखे हुए हैं कैपिटल टी कैपिटल आर, और इसी का ना कॉपी ये भी बना हुआ है जी, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये बात समझ में आया। अच्छा, और यहाँ क्या हो जाएगा इस पे सर, यही स्मॉल टी और स्मॉल आर, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, इसका कॉपी है ये, ये बात समझ में आया, यानी कि सर यहाँ प्रत्येक का एक एक कॉपी बन गया, ये इसका कॉपी ये बना है, इसका कॉपी ये बना है, बना है कि नहीं। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है, इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड, इनको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी आपस में क्या हो जाएगा जी, सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगा, ये बात क्लियर है। ये दोनों जो एक दूसरे का कॉपी बना है, ये दोनों जो एक दूसरे का कॉपी बना है, ये दोनों आपस में, दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएंगे। अच्छा सर, जो एक दूसरे के बीच वाला पार्ट का नाम बताइए, जो एक दूसरे के कॉपी नहीं हो, जैसे देखिए ये कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये एक दूसरे का कॉपी है नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये बात समझ में आया, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, और ये इसको हिंदी में भग्नीय क्रोमैटिड कहते हैं, भग्नीय, ये अभग्नीय क्रोमैटिड कहा जाता है, तो सीधे आपको याद रखना है सिस्टर क्रोमैटिड, ये दोनों आपस में हो गया, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हो गया, लेकिन ये दोनों बीच वाला दोनों के दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होगा, और सर हम लोग को पता है ये यानी क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच
जीनों के अनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान को क्या बोला जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। ये बात क्लियर है, यानी कि हमारा क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। क्वेश्चन पूछा जाता है क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में या सिस्टर क्रोमैटिड में, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। अच्छा, उसके बाद ये किस में क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होता है, कोशिका विभाजन के किस अवस्था में होता है, तो याद रखेंगे पैकेटिन स्टेज में, पैकेटिन ऑफ मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, पैकेटिन ऑफ मियोसिस फर्स्ट, यानी कि किस अवस्था में होगा, ये पैकेटिन, पैकेटिन ऑफ मियोसिस फर्स्ट, यानी कि मियोसिस फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में, याद रखेंगे मियोसिस फर्स्ट के पैकेटिन अवस्था में, या प्रोफेज पैकेटिन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, वही हुआ पैकेटिन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। अगर मैंने ये ऑप्शन में प्रोफेज फर्स्ट है अगर, यानी पूर्वावस्था प्रथम के पैकेटिन अवस्था में, चाहे अर्धसूत्री विभाजन के पैकेटिन अवस्था में, तो दोनों के दोनों आंसर सही होगा। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन में पूछा जाता है क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, ठीक है, और किसके किसके बीच होता है, ये बात याद हो जाएगा। कुछ यहाँ बातें आपको इसमें याद रखना है बस यही कि जीवन फेज में कुछ अरेंजमेंट ऐसे होगा, एस फेज में जाने के बाद क्रोमोजोम डबल हो जाता है और ये जी टू फेज कहलाता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ ये दोनों जो आपस में कॉपी हुए हैं एक दूसरे के, ये क्या होंगे, आपस में सिस्टर क्रोमैटिड, और जो कॉपी नहीं है दोनों में से एक एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक एक क्रोमोजोम के पेयर को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। ठीक है, और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच ही जीनों का आदान प्रदान करना है। अब आइए हम लोग ये देखेंगे कि जीनों का आदान प्रदान अब यहाँ कैसे किया जाए। जीनों के आदान प्रदान करने के लिए अब क्या करना होगा, इसको यहां बना देते हैं, इसके बाद का स्टेज, ठीक है, समझ में आ जाएगा ना, इसी को अब यहां दिखाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच किस प्रकार से अरेंज, ये अब क्रॉसिंग ओवर कैसे होगा। तो देखिए, अब यहां गैमेट जो आप बनाए हुए थे, आपका सॉरी क्रोमोजोम को अरेंज किए थे, ये आपका क्या हो गया कैपिटल टी, पहले देखिए दोनों को एक बार अरेंज कर लें दीजिए, दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में ना क्रॉस करें, ये हम लोग क्रॉसिंग ओवर कराना है। देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, दो नॉन सिस्टर ये बीच वाला ही ना है, ध्यान से देखिएगा, दो नॉन सिस्टर ये बीच वाला है, तो यहाँ क्या होगा सर, ये कैपिटल टी और कैपिटल आर, ये भी कैपिटल टी आ इधर चला गया कैपिटल आर, ये दोनों को पहले अरेंज हम किए हैं। अच्छा, अब इधर वाला बगल वाले को देखिए सर, ये स्मॉल टी, ये अब स्मॉल आर इधर आ गया और कैपिटल आर उधर चला गया, बस समझ में आया, और यहाँ हो गया स्मॉल टी सॉरी हाँ स्मॉल आर, चूंकि यहाँ वाला स्मॉल आर को हम यहाँ भेज दिए स्मॉल आर, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या स्मॉल टी है, तो यहाँ भी स्मॉल टी और यहाँ स्मॉल आर, इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलिए कोई डाउट हो तो, बस इसको नॉन सिस्टर ये दोनों के बीच हम लोग क्या करना है, क्रॉसिंग ओवर कराना है, क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के ओवर में क्रॉस होगा। तो यहाँ बात समझ में आया, इधर वाला उस साइड को भेज दीजिए, तो इसको इधर और इसको इधर। अच्छा, अब देखिए इसका अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट अब करके देखिए रियल में किस प्रकार से अब अरेंज होगा। अब हो जाएगा सर ये, जैसे मान लीजिए कि कैपिटल टी ठीक है, एक कैपिटल टी ऊपर में यहाँ पे सेंट्रोमियर को रहने दीजिए, जैसे ऊपर सेंट्रोमियर आप बनाए थे ना, सेंट्रोमियर रहेगा, ये पूरा का पूरा एक सिंगल बन जाएगा, समझ रहे हैं बात को, ये एक क्रोमोजोम पूरा सिंगल, कौन कौन कैपिटल टी, इस पे जीन कौन कौन रखिएगा सॉरी गैमेट, हाँ जीन कैपिटल टी और कैपिटल आर, ये समझ में है ना, इसको ऐसे अरेंज कर दिया। अच्छा, दूसरे वाले को बनाइए, दूसरे वाले को क्या करेंगे, बस ऊपर का पार्ट जो होगा सर, हाफ पार्ट जो है इस कलर से रखिए,
और आधा टुकड़ा बगल वाला का होना चाहिए, तो बगल वाला का टुकड़ा ये इस आधा इधर ना आ गया है अब, तो इधर अब इसको व्हाइट कलर से कर दीजिए बाकी पार्ट को। अच्छा अब इस पे क्या हो जाएगा सर, कैपिटल टी, और यहाँ क्या हो जाएगा अब स्मॉल आर आ गया सर इस पे, क्रॉसिंग ओवर के कारण, बात समझ में आया। अरे यहाँ गैमेट का अरेंजमेंट देखिएगा, यहाँ जो आप स्मॉल कैपिटल टी और कैपिटल टी और कैपिटल आर को उधर रख दिए थे, इधर स्मॉल टी यहाँ था, स्मॉल आर इस साइड कर दिए, अब ये क्रॉसिंग ओवर के कारण इसका सही अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अच्छा अभी इसको अरेंज किए हैं, दूसरे वाले को अरेंज करके देखिए, दूसरा वाला फिर अरेंज करेंगे, मान लीजिए इस पार्ट को अब व्हाइट कर देते हैं पूरे, सॉरी पूरा को व्हाइट नहीं ना करेंगे जी, आधा पार्ट व्हाइट कर देते हैं, और बाकी को पिंक कलर से हम जोड़ देते हैं, ताकि पिंक वाला इधर आके जुड़ा है ना जी। अब अरेंज करिए इसको इस पे गैमेट को सर, स्मॉल टी अब यहाँ कैपिटल आर आ गया, इसका मतलब समझे। अच्छा सर इसका जो टुकड़ा था ये आ गया इधर, और इसका टुकड़ा इधर आ गया, बस यही है क्रॉसिंग ओवर। अच्छा अब उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे, अब पूरे पार्ट को सर व्हाइट कलर से, पूरे पार्ट को व्हाइट कलर से व्यवस्थित कैसे करिएगा सर, स्मॉल टी और स्मॉल आर, समझ में आ गया, स्मॉल टी स्मॉल आर, बस इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना। अच्छा अब यही क्रॉसिंग ओवर हुआ। अच्छा अब इसमें गैमिट बना के देखिए, गैमिट बन रहा है क्या, उस तरह से गैमिट बनाने का आप लोगों को बताया है ना, अब गैमिट बना के देखिए कि क्या पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब यही ना आप कर रहे थे, यानी रिकॉम्बिनेशन आ रहा है कि नहीं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन लाने के लिए आप क्रॉसिंग ओवर कराए थे, तो जहां लिंकेज हो लेकिन रिकॉम्बिनेशन नहीं बन रहा हो, तो उसमें रिकॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं सर, क्रॉसिंग ओवर का उपयोग करते हैं। अच्छा तो अब यहाँ गैमिट बनाकर देखिए कितना गैमिट बनेगा सर, यहाँ बन जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, थोड़ा इसको जगह दे के लिखते हैं ना, क्योंकि दूसरे को भी अरेंज करना है, कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर हो जाएगा आपका कैपिटल टी कैपिटल आर, अच्छा फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर हो जाएगा आपका स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। अब देखिए तो कम आपके पास कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया कि नहीं, कैरेक्टर ज़्यादा आया। अच्छा इसमें आप देखिए क्या था, टॉल राउंड, यह है ना जी टॉल राउंड, ऐसे अभी इसमें स्मॉल टी आप चाहें तो बीच में अरेंज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ देखिए तो टॉल राउंड सॉरी टॉल रिंकल्ड, टॉल रिंकल्ड, अच्छा फिर उसके बाद ड्वार्फ ड्वार्फ राउंड, और फिर हो जाएगा ये ड्वार्फ ड्वार्फ रिंकल्ड, आए समझ में, यानी कि आपका ये देखिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना है सर, ये दोनों ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, यानी कि सर ये पेरेंटल है, अच्छा ये भी पेरेंटल है, टॉल राउंड और ड्वार्फ रिंकल यही ना था पेरेंटल दोगो, तो सर ये भी पेरेंटल है, तो इसमें बच गया ये दोनों, ये क्या है जी रिकॉम्बिनेशन, बस समझ में आया, यानी कि यहाँ पुनर्योजन लक्षण प्राप्त हुआ। तो सर पुनर्योजन लक्षण अगर नहीं आ रहा हो और तो उस समय हम क्या कराते हैं क्रॉसिंग ओवर, तब समझ में आ गया, क्रॉसिंग ओवर से पुनर्योजन कैरेक्टर पुनर्योजन लक्षण उत्पन्न हो जाता है। तो बस ये बातें समझ में किसको किसको नहीं आया ये एक बार बताएंगे, जिनको भी नहीं समझ में आया इसमें कोई डाउट अगर है तो बोलिए। ये सेंट्रोमियर है, चलिए तो ये व्यवस्थित हो गया। अब इससे आपको निष्कर्ष क्या निकला है सुनिएगा, इससे निष्कर्ष क्या निकला है कि अच्छा सर अगर मान लीजिए कि ये लिंकेज अगर होगा, अगर लिंकेज होगा, हम ये बताए हैं लिंकेज अगर बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन
रिकॉम्बिनेशन घटेगा। समझ में आया? अच्छा, और लिंकेज अगर होगा तो वहां, हाँ लिंकेज अगर होगा तो रिकॉम्बिनेशन घटेगा। अच्छा, तो उस दौरान अगर हम क्रॉसिंग ओवर कराएंगे तब क्या होगा? अच्छा, तो ये बात तो आपको पता था पहले से कि जहां लिंकेज, अगर मान लीजिए कि आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि लिंकेज जहां प्रेजेंट हो, लिंकेज जहां प्रेजेंट हो यानी उपस्थित हो, वहां रिकॉम्बिनेशन अब्सेंट होता है, वहां रिकॉम्बिनेशन अब्सेंट होता है। लेकिन अभी रिकॉम्बिनेशन अब्सेंट अगर हो रहा है तो उस समय में हम किसका उपयोग करेंगे? क्रॉसिंग ओवर का। और इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर क्रॉसिंग ओवर को आप बढ़ा दीजिए, क्रॉसिंग ओवर को अगर आप बढ़ा दीजिए तो फिर से रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेशन अब फिर से बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? रिकॉम्बिनेशन। यानी कि क्रॉसिंग ओवर जितना ही ज़्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर जितना ही कराएंगे, रिकॉम्बिनेशन उतना ही होगा। बात समझ में आया? कोई डाउट किसी को? ये हिंदी इसका लिख दें, लिंकेज मतलब होता है क्या? सहलगनता, सहलगनता जहाँ हो, सहलगनता अगर उपस्थित हो, सहलगनता यदि उपस्थित हो तो रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योजन क्या होगा? पुनर्योजन सर अनुपस्थित होगा। इसका मतलब ये हुआ, जब अगर हम चाहते हैं कि पुनर्योजन अनुपस्थित न हो, पुनर्योजन हो, तो उसके लिए क्या चीज का उपयोग करेंगे? क्रॉसिंग ओवर का। तो क्रॉसिंग ओवर अगर बढ़ेगा तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? ये रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, मैंने क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी होगा। बस समझ में आ गया? चलिए अब इसको जरा एक बार आप लोग नोट करेंगे, ऊपर से यहां से नोट कीजिए। सिस्टर क्रोमैटिड ये सब समझ में आ गया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो अब हम लोग डिफिनेशन बाद इसके आगे लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आर कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। समझ में आ गया आप क्रॉसिंग ओवर? अब रटना नहीं पड़ेगा। क्रॉसिंग ओवर क्या है? तो सर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच अनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। इसको नोट करिए पहले। ठीक है, इस तरह आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ लिंकेज उपस्थित होता है वहाँ रिकॉम्बिनेशन अनुपस्थित होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लिंकेज होते हुए भी उसमें रिकॉम्बिनेशन को दिखाना, तब उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? क्रॉसिंग ओवर की ज़रूरत पड़ती है। तो क्रॉसिंग ओवर जितना ही बढ़ेगा रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसमें डिफिनेशन, इसको डिफाइन आप कर सकते हैं कैसे? तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स बिटवीन
बिटवीन किसके बीच, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आर कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा, आर कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसको कहा जाता है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान को, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच आनुवांशिक पदार्थ के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। अब याद हो गया क्रॉसिंग ओवर। अब वहीं अगर ऊपर की बात हम लोग नहीं किए होते तो ये आपको रटना पड़ जाता, खाली डिफिनेशन एक रटते किसी भी तरह से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये क्रॉसिंग ओवर पे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसमें प्रभाव इसको प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि अब हम लोग ये जानेंगे ना कि दो जीनों के बीच की दूरी को अगर बढ़ा दिया जाए तब क्रॉसिंग ओवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछले क्लास में तो पहले आपको बताया गया था कि दो जीनों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है तो वहां लिंकेज घट जाता है, और दो जीनों के बीच की दूरी को अगर घटा दिया जाता है तो वहां लिंकेज बढ़ जाता है। ये बताएं आप लोगों को, यानी करीब करीब जीन अगर हो एक क्रोमोजोम पर मौजूद, एक क्रोमोजोम पर दो जीन अगर एक दूसरे के करीब होगा तब वहां लिंकेज बढ़ेगा, और जब एक क्रोमोजोम पर दो गो जीन ज्यादा दूरी पे हो तब वहां लिंकेज घटेगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को देखना है कि क्या होगा अगर दो जीनों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तब क्रॉसिंग ओवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका हिंदी पहले लिख लीजिए, देखिए लिखेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, उसको हिंदी में अभग्नीय क्रोमैटिड कहते हैं, उससे अच्छा आप सीधे लिखिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड तो अब समझ में आ ही गया क्या है, तो इसलिए सीधे लिख लेना है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच आनुवांशिक पदार्थों के, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान को, आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान को, आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान को, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान को, आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच अनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है, हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए कि दो जीनों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा, नया कॉन्सेप्ट या अलग हम लोग को पढ़ना है। अगर सर दो जीनों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए और घटा दिया जाए, देखिएगा यहाँ हम दो कंडीशन आपको दिखा रहे हैं, हम यहाँ सिस्टर क्रोमैटिड या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड दोनों बना रहे हैं। आप बताएंगे कि कौन सिस्टर है कौन नॉन सिस्टर है, क्योंकि अभी हम समझाए हुए थे आप लोगों को, देखिए हम दो कंडीशन बिल्कुल सेम सेम बना दिए हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल सेम सेम कंडीशन यहाँ तैयार किया गया। अब यहाँ आपको क्या करना है, इस पे जीनों को गैमिटों को सॉरी जीनों को अरेंज कर दीजिए, अच्छा ऊपर में यहाँ सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर हो जाएगा, अच्छा आप देखिए यहाँ क्रोमैटिड और नॉन क्रोमैटिड सॉरी ये सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कौन है, सर ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, ये तो पता है आप लोग को, और सर ये दोनों आपस फिर ये दोनों भी आपस में सिस्टर क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड है,
ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है सर, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। अब यहां देखिए, यहां हम क्या किए हैं सर, यहां आप कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर, यही ना था जी, स्मॉल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल आर इसी तरह से ना अरेंज है ये। अरे कॉपी यही ना बना था शुरू शुरू में जो बना हुआ था। अच्छा बस यहाँ आप क्या किए हैं सर, तो देखने से हम लोग को पता चल रहा है कि आप ये कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर, यानी कि सर आप यहाँ यही काम किए हैं ना, कि यहाँ देख लीजिएगा यही ना है जी, क्रोमोजोम शुरू में यही ना हम लिए हुए हैं, यही है। अच्छा अब देखिए, अब नहीं भी होगा तो बस हम लोग को यहाँ देखना ही, दूसरा एग्जाम्पल समझिए ना, बस यहाँ ये देखिए सर, ये आप बस इतना ही काम किया ना कि ये दोनों के बीच के दूरी को घटा दिए हैं और ये दोनों के बीच के दूरी को बढ़ा दिए, बस यही ना यहाँ दिख रहा है सर। यहाँ एक कंडीशन में आप डिस्टेंस को बढ़ाए हैं और दूसरे कंडीशन में आप डिस्टेंस को घटाए हैं, एक कंडीशन में हम लोग डिस्टेंस को घटाए हैं। अब देखिए, तो जब दो जीनों के बीच, दो लिंक्ड जीनों के बीच की दूरी अगर मान लीजिए कि ज्यादा हो जाए, यहां डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहां डिस्टेंस बढ़ रहा है। अच्छा किसके किसके बीच याद रखेंगे, किसके किसके बीच क्रॉसिंग ओवर होता है सर, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है इसी के बीच ना होगा जी, यही ना आपस में ये कट के इधर जुड़ जाएगा, ये कट के इधर जुड़ जाएगा, यही ना होता है। अच्छा यहां भी ये सॉरी ये कट के इसमें जुड़ गया और ये कट के यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा, यही ना होता है। तो क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होता है, सिस्टर क्रोमेटिड में तो होगा नहीं, तो सर अगर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में मौजूद जीनों की दूरी जितना ज्यादा बढ़ेगा, उसको टूट के आपस में जुड़ने की संभावना उतना ही ज्यादा होगा। अब मान लीजिए कि बाबू अगर ये हम क्रोमोजोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, समझिएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, यहाँ हम जीन को व्यवस्थित किए मान लीजिए यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ, इसकी दूरी इतना कम है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपका ये है कैपिटल टी और ये कैपिटल आर, स्मॉल टी और स्मॉल आर, इन दोनों जीन के बीच की दूरी इतना कम है कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, ये बात समझ में आया। तो यानी कि दूरी जितना कम होता है, क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना उतना ही कम हो जाता है, दूरी जितना ही ज्यादा बढ़ेगा, तो दूरी अगर ज्यादा होगा तो इसके कारण क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना उतना ही ज्यादा होगा, ये आपस में टूट के इसके साथ जुड़ गया और ये टूट के आसानी से इधर जुड़ जाएगा, लेकिन जहां खुद डिस्टेंस अगर कम हो गया, इसका मतलब कि वहां क्रॉसिंग ओवर भी कम हो जाएगा, ये बात समझ में आया। अगर यहां दूरी जितना ही दूरी बढ़ेगा, क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा जी, क्रॉसिंग ओवर को अब हम सीओ लिखेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो क्रॉसिंग ओवर भी बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ाएंगे, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी, दूरी बढ़ाएंगे क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, दूरी घटाएंगे क्रॉसिंग ओवर घटेगा। तो डिस्टेंस अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे घट रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, दूरी कम हो रहा है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर भी सर कम हो जाएगा। सर अभी इससे हम लोग को यही निष्कर्ष निकला है, इस बात से यही निष्कर्ष निकला कि क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि सर जितना ही ज्यादा दूरी बढ़ेगा, क्रॉसिंग ओवर उतना ही बढ़ेगा, या क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा उतना ही दूरी बढ़ेगा, बस समझ में, मतलब क्रॉसिंग ओवर वहीं ज्यादा होगा जहां दूरी ज्यादा होगा, तो यानी क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि क्रॉसिंग ओवर दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आया समझ में। अच्छा तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकल गया ना जी, तो और अगर क्रॉसिंग ओवर घट बढ़ेगा तब क्या क्या बढ़ेगा सर, क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, और क्रॉसिंग ओवर अगर बढ़ेगा तो वहां क्या बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा। इसको थोड़ा सा हम एक स्टेप नीचे लिखते हैं ताकि ये भी बात यहाँ हो जाए, यहाँ इस कंडीशन में रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा, काहे क्योंकि थोड़े देर पहले हम बताए थे क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर जैसे ही बढ़ेगा ये रिकॉम्बिनेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ डिस्टेंस घट जा रहा है तो क्रॉसिंग ओवर भी घट जाएगा, और जैसे क्रॉसिंग ओवर घटेगा
इसका मतलब सर ये रिकॉम्बिनेशन भी यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। चलिए इस बात को उतार लीजिए। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही सब में किसी को? उतार दिया अब इसको। अरे दूरी का मतलब समझ में आ रहा है ना जी? हाँ, दूरी मतलब हुआ दो जीन एक दूसरे से अगर दूर दूर पे हैं तो उस कंडीशन में क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना ज्यादा होगी। ज्यादा दूर दूर पे होगा तो आसानी से टूट के आपस में जुड़ जाएगा। जहां लिंकेज की संभावना बहुत ज्यादा हो जाए, लिंकेज तब ज्यादा होगा जब जीन आपस में क्लोज क्लोज हो, यानी लिंकेज की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए तो वहां क्रॉसिंग ओवर हो भी नहीं करेगा। चलिए इसको नोट कर लेंगे। क्रॉसिंग ओवर जो है ये डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और क्रॉसिंग ओवर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, ठीक है। चाहे ऐसे लिख सकते हैं, लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, वही बात हुआ, यानी जितना ज़्यादा लिंकेज होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ही घटेगा। और लिंकेज कब ज़्यादा होगा? और जब डिस्टेंस कम हो, यानी लिंकेज किसके इन्वर्स, एक और बात आप लिख सकते हैं, लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी भाई जितना ज़्यादा दूरी रखिएगा लिंकेज उतना ही कम होगा, क्रॉसिंग ओवर उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात समझ में आया? लिंकेज जहां बढ़ेगा क्रॉसिंग ओवर वहां घट जाएगा। तो ये बात याद रखना है, लिंकेज बढ़ेगा तो क्रॉसिंग ओवर घटेगा, और लिंकेज कब बढ़ेगा घटेगा? जब डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, यानी डिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो लिंकेज घट जाएगा, डिस्टेंस जब कम होगा दो जीनों के बीच की दूरी अगर कम होगा तो वहां लिंकेज ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ तक ये आपका पॉइंट ख़त्म हो गया। कल से हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, दो पॉइंट और बच जा रहा है, छोटा छोटा पॉइंट है, उसको बता के तब आगे बढ़ा जाएगा, और कल से आपका सेक्स डिटर्मिनेशन शुरू होगा। हाँ, लिंग निर्धारण अच्छा टॉपिक है, उसमें क्लास नहीं छूटना चाहिए किसी का भी, क्योंकि क्लास छूटेगा तो आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा एग्जाम में, नीट या फिर बोर्ड में उससे क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर चैप्टर खत्म, ठीक है। चलिए बस दो टॉपिक मुख्य रूप से आपका बच रहा है इसमें।